देश में जहां एक तरफ आज ईद की धूम है तो वहीं नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यूपी के संभल में ईद की नमाज पढ़कर आ रहे नमाजियों पर मुसलमानों के ही दूसरे गुट ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि फायरिंग और पथराव में 4 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। दरअसल ईद के दिन नमाजियों पर खूनी हमले की ये घटना थाना असमौली के गांव सदीरनपुर की है, जहां पुरानी रंजिश के तहत बंदूक, तमंचे, लाठी और डंडों से लैस मुसलमानों के दूसरे गुट ने ईदगाह से नमाज पढ़कर लौट रहे मुसलमानों पर धावा बोल दिया। जमकर गोलियां चली और पथराव हुआ। हमले में 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। ये लोग सब नमाज पढ़ के निकल रहे थे, अचानक से 8-10-12 लोग सब लगभग आए, सबके हाथों में डंडे और तमंचे, बंदूकें और ईंटें वीटें वगैरह थी, और आते ही शुरू कर दी जी लड़ाई, एकदम गोली चलानी शुरू कर दी। कासिम है और आकिल है, उसके भाई हैं 4-5, और तजम्बुल है, 4-5 और लोग हैं जो उनके साथ में थे। तो वही संभल के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा ने मुसलमानों के 2 गुटों में फायरिंग की पुष्टि की है। हमले के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं, गांव में शांति कायम है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सदीरनपुर से आज सुबह यह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में आपस में पुराने विवाद को लेकर संघर्ष हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने व अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। यह प्राप्त हुआ है कि दोनों ही पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। एक पक्ष से गुलाम मुर्तजा फिरोज घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष से मुजीब घायल हुए हैं। तीनों जो घायल हैं उनको उपचार हेतु रवाना किया गया है। मौके पर जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, और मौके पर शांति व्यवस्था इस समय पूरी तरह से कायम है, पुलिस मौके पर उपस्थित है। संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।